सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ में MH1 न्यूज की टीम ने पंजाबी फिल्म यारावे की स्टार कास्ट के साथ खास बातचीत की। फिल्म 1947 में विभाजन से पहले की कहानी है जो दोस्ती और प्यार पर बेस्ड है। फिल्म में अहम किरदार निभा रहे गगन कोकरी और मोनिका गिल से खास बातचीत की MH1 न्यूज के संवाददाता दीपक शर्मा ने। 5 अप्रैल को रिलीज होनी है जी फिल्म यारावे और साढ़े नाल फिल्म की स्टार कास्ट है गगन कोकरी और मोनिका गिल। गगन पहले तो बहुत बहुत मुबारक, फिल्म रिलीज हो रही है यारावे। थैंक यू वेरी मच। 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है जी, तो ट्रालियां भर के जरूर जाओ पंजाब वाले, तो बाकी जो बहरले आओ जरूर, जिते जिते तक यह चैनल जा रहा है MH1, सो जरूर जाओ जी 5 अप्रैल को थिएटर्स। यारावे की गल करिए, कंसैप्ट किस तरह की फिल्म? यारावे 1947 की कहानी है जी, जदों पंजाब एक हुंदा सीगा ते पाकिस्तान हजे बनिया नहीं सी। सो एंड दे विच, फिल्म दे एंड दे विच एक नवां कंट्री आउंदा जिहड़ा पाकिस्तान है। सो एक यारी की कहानी है, एक प्यार की कहानी है, साडी दोवां की लव स्टोरी है। एंड उहदे नाल नाल मेरे नाल योगराज मेरे बापू जी ने, वो ये भी बने हुए। सो BN शर्मा जी, निर्मल ऋषि जी, राणा जंग बहादुर जी, सरदार सोही जी, गुरप्रीत भंगू मैडम, सो ऑल जी स्टार कास्ट है, बड़ी लैजेंडरी स्टार कास्ट है जी। नाल अपने युवराज हंसा, रघुवीर बोलिया, एंड साढ़े डायरैक्टर राकेश मेहता जिहड़े, उन्होंने बड़ी मेहनत नाल एक आपदी कहानी, उन्होंने फैमिली की है जी, एक वो कहानी बनाई है कि लोगों को वो टाइम चेते आऊगा। एंड दिस इज़ फुल ऑन फुल कॉमेडी मूवी एंड इमोशनल ये एंड क्योंकि वंड होंगी है जी। वंड एक यहोजी चीज़ सी जिन्हें दो मुल्क बनाते और लोग जोड़े खुशियां नाल आपदे दिन बिताते सी, उन्होंने सामने ही उन्होंने यार दोस्त मारे गए और किमें उन्होंने धर्म के नाते वंडिया गया। सो यह भी चीज़ बच्चे जी। मनिका, इस तो पहला तुसी अंबरसरिया की होर कई कामयाब फिल्मां कीतियां, अगर यारावे की गल करिए तो किस तरह उम्मीदें यारावे तो हैं और राकेश मेहता की डायरेक्शन काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पूरी स्टार कास्ट? मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत बहुत वधिया रहा। राकेश सर नोज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर व्हेन ही शूट्स एवरी सीन, उन्होंने लाइक ओ गेस वर्क नहीं करते, ही हैज हिज वर्क प्री प्लान्ड, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। साडे प्रोड्यूसर साहब बल्ली कक्कर amazing and very saaf dil insaan, and bahut sari star cast nu bahut pyar na rakhya, matlab I don't think inne spoiled asi kitte vi kade hoye, bahut spoil kita sanu, and yeah, eh bahut vadhiya experience reha, te ummeed bas ehi aa ke jinne purity na si eh film banayi aa unni thonu pasand vi aave। म्यूजिक की गल करिए, क्योंकि जान होंगे म्यूजिक हर फिल्म की और तुसी आप बाकमाल सिंगर हो, किस तरह का म्यूजिक है फिल्म? म्यूजिक देखो जी, फिल्म के म्यूजिक की गल करिए, फिल्म का म्यूजिक फील वाला होना चाहिए। जे मैं सिंगर हाँ, जरूरी नहीं कि मैं ही सारे गाने गाने, मेरी आवाज़ किसी होर फील नू सूट करती होगी किसी की, क्योंकि आ ओके मेरे फेवरेट सिंगर है फिरोज़ खान, वह भी ये ने। उस बाद मेरे फेवरेट सिंगर हो गए अपने कनवर गरेवाल भाई, वह भी ये ने। फिर उन्होंने नाल नाल साढ़े अख्तर ब्रदर्स जेडे राइजिंग स्टार एक कलर्स टीवी प्रोग्राम चल रहा है, सो वह भी उन्होंने भी ये गाया। हैप्पी रायकोटी वीरे ने ये गाया, राजवीर जवंदा अपना भरा उन्हें ये गाया, सो एंड मैं भी गाया मेरा एक प्रमोशनल गाना ये। सो हर एक फील लई अलग आवाज़ जिहड़ी कि थिएटर दे विच बैठ के वो फील आवे। सो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक तुसी ऑलरेडी सुनी रहे हो, यारावे गाना सुन लिया, मिर्जा सुनिया, अज तक तुसी मिर्जा साहबा जिहड़ी आ वो तीर तोड़दी देखी सी, और मिर्जे ये पहला मिर्जा जिहदे विच साहबा चुम के तीर फड़ा रही है भी मार कोई चक्कर नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ मतलब ये फनी तुहानू एक फिल्म जिहड़ी आ, एंड म्यूजिकली भी यह एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है साडे गुरमीत सिंह भाजी आ उन्हां दा म्यूजिक आ, उहदे नाल नाल लाडी गिल वीरे दा एक गाना उन्होंने म्यूजिक किया, एंड उन्होंने नाल नाल हार्ट बीट आ उहने म्यूजिक किया साडा प्रमोशनल गाना। सो म्यूजिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मनिका, फेवरेट सॉन्ग केड़ा तुहाडा? मेरा फेवरेट सॉन्ग हाले रिलीज नहीं होया, इट्स अ जागो सॉन्ग कॉल सतपिंड, ते जदों आऊगा आई होप सारे नु पसंद आऊगा। अच्छा गगन, MH1 दे दर्शकों नु एक गीत जरूर गुनगुना के सुनाओ। फिल्म दा जां फिल्म तो बाद? फिल्म दा हो नजरां ता मिल गईयां,
ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੇ ਹਾਏ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਤਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੇ ਨੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਨੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਹਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਐਂਡ ਆਈ ਗਰੰਟੀ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟ ਮੀ ਐਵਰੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਉਹ ਵਰਥ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਫ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੀਲ ਸੈਡ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਨਿਕਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯਾਰਾਵੇ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਦੈਟ ਟੱਗਸ ਐਟ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਇਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਮ ਵੀ ਆ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਹੈਪੀ ਸੋ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਫਿਲਮ ਯਾਰਾਵੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਅਤਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮਐਚਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ